हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके चैनल झारखंड डिफेंस जोन में। जी हां साथियों, आप सभी के लिए बिग अपडेट है स्थान नीति को लेकर। फिर से सियासी मुद्दा स्थान नीति को लेकर उलझने लगी है। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है स्थान नीति को लेकर। सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ बोले, एक अखबार के माध्यम से बड़ी अपडेट निकल कर आई है स्थान नीति को लेकर। और राज्य में सभी नई भर्तियां में अगर स्थान नीति लागू होती है 1932 की, तो बहुत सारे छात्रों को होंगे अनेक फायदे। तो आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। पल पल की अपडेट आप सभी को झारखंड जॉब से कंटिन्यू वीडियो इस चैनल से मिलती रहती है। तो चलिए आप सभी को लिए चलते हैं अखबार की ऊपर। तो जाने से पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए एक विशेष नोटिस है। यदि आप झारखंड पुलिस वन रक्षी दरोगा कक्षपाल आने वाले वैकेंसी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर ले। इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप सभी अपने फेसबुक आईडी में झारखंड डिफेंस जॉब लिखकर सर्च कर सकते हैं। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आप सभी लाइक और फॉलो कर ले। जैसे ही लाइक फॉलो करेंगे ये बत्ती नीली हो जाएगी। यहाँ पर आप सभी को पल पल की जॉब की अपडेट, झारखंड जीके, झारखंड करंट अफेयर्स की क्विज मिलती रहती है। तो चलिए, तो फ्रेंड, कैबिनेट में फिर से सियासी मुद्दा खलबलाने लगी है। आप सभी देख सकते हैं, बदलेगी राज्य की स्थान नीति, बनेगी कमेटी सीएम। जी हां, हेमंत सोरेन का क्या कुछ कहना फ्रेंड, आप सभी को पूरी जानकारी देंगे। साथ ही 1932 लागू होगी या नहीं होगी वो भी पूरी विश्लेषण करने वाले हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थान नीति में संशोधन करने की बात कही है। प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में जो स्थान नीति परिभाषित की गई है उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। इसके विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया है। उन्होंने कहा कि स्थान नीति में क्या बदलाव हो सकता है, इसकी समीक्षा की जाएगी, फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पहलुओं को समझकर ही नीति में बदलाव किया जाएगा। तो फ्रेंड, आप से भी देख सकते हैं, सभी पहलुओं को देखकर स्थान नीति में लागू किया जाएगा। कमेटी करेगी मौजूदा स्थान नीति का अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड, 3 सदस्य कमेटी बन रही है। हेमंत सोरेन ने क्या कहा आप सभी देख सकते हैं, सभी पहलुओं को समझकर ही नीति में बदलाव किया जाएगा। और ये फ्रेंड, ये प्रभात खबर के अखबार के माध्यम से अपडेट निकल कर आई है, सीएम बनाएंगे मंत्रियों की 3 सदस्य कमेटी। जी हाँ, आप सभी को बता दें, 3 सदस्य कैबिनेट बनानेंगे। इसके बाद फ्रेंड इनकी निरीक्षता की जाएगी, इसके बाद ये लागू की जाएगी। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में वर्तमान नीति की समीक्षा के लिए मंत्रियों के 3 सदस्य कमेटी बनाने का फैसला या मंत्रियों के नाम मुख्यमंत्री को ही तय करना है। मुख्यमंत्री द्वारा गठित मंत्रियों की कमेटी में वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के लिए कार्मिक विभाग भी अधिकारियों की कमेटी बनाएगा। तो फ्रेंड, आज शुक्रवार है, बुधवार से ही लगातार 1932 की प्रक्रिया चल रही है। पेपर में बार बार छप रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। और ये जेएमएम की चुनावी मुद्दा था, चुनाव से पहले भी बोले थे हेमंत सोरेन 1932 राज्य में लागू होगी। अगर राज्य में 1932 लागू होगी तो फ्रेंड आप सभी को बता दें, आने वाले सभी नई भर्ती में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो फ्रेंड, इनके क्या फायदे होंगे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। जो भी 1932 के अगर बाद में आकर बसे हुए हैं, उनको ग्रुप सी ग्रुप डी में कोई भी भर्तियां का लाभ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, आप सभी को बहुत ही लाभ होने जा रही है। तो कोई भी अगर नई भर्ती आएगी तो आप सभी का सिलेक्शन होने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है, ताकि बाहरी राज्य के जो भी छात्र यहाँ के बसे हुए हैं उनके गार्जियन, उनको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं, झामुमो की चली तो 1932 के बाद आने वाले नई हो गए स्थानीय नीति। तो फ्रेंड, ये गुरुवार की खबर है और ये आज की अखबार में दिया गया है। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की तैयारी।
तो फ्रेंड ये फिर से संशोधन होगी 1985 स्थान नीति में, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है और ये जल्द ही नीति लागू की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी नई भर्ती आने वाली है, तो आप सभी के लिए यही एक अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।